हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका आज के सेशन में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 12.2 क्लास 11 की पढ़ रहे हैं। प्रीवियस जब क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए थे। डेरिवेटिव लिमिट्स वाली हमारी एक्सरसाइज 12.1 थी, अब हमारी है डेरिवेटिव पे चल रहा है। अच्छे से सीखना है। आज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं इस वाले सवाल में, कैसे डेरिवेशन किया जाता है वो सब मैं सिखाने वाला हूँ आपको इस सेशन में। चलो क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक के क्वेश्चन हमारे हो गए थे, मैंने समझाया था आप सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ध्यान से, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। अब कभी भी घबराना मत ना, कभी आप सोचोगे सर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पता नहीं क्या एक्सप्रेशन दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करिए इसको। एक्स की पावर एन माइनस वन होती है, प्लस में ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू होती है, और प्लस में ये हमारा जा रहा है ए की पावर, सॉरी यहां पर हमारे पास क्या है, ए की पावर एन माइनस वन। बहुत ईजी तरीके से मैं सवाल समझाऊंगा, ये वाला सारे सवाल बहुत इजी हैं। ए की पावर है एन माइनस वन एक्स और प्लस में ए की पावर एन, ये हमारे पास में है और इस एक्सप्रेशन का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव फॉर फिक्स्ड रियल नंबर यानी कि ए की रेस्पेक्ट में करना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ए के लिए हमें इसका क्या करना है, डेरिवेटिव यहां पर करना है। सिंपल सा सवाल, सबसे पहली बात देखिए आप, कभी भी जब डेरिवेटिव हमें करना हो और एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव करना हो, सॉरी डी बाई डी एक्स अमर अगर एक्स की पावर एन, इंटीजर है एन यहां पर, उसका डेरिवेशन क्या होता है, एन जो पावर है वो पहले आ जाएगी, इंटू में एक्स ऐसे कैसे रहेगा और पावर में माइनस वन कर दीजिए, यानी कि एक्स की पावर अगर एन होगा तो एन इंटू में एक्स की पावर एन माइनस वन होगा। यही मैं यहां पर अप्लाई करूंगा, मान लो ये फंक्शन था एफ एक्स, तो एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव मतलब डैश भी लगा सकते हैं या डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। इसका क्या करेंगे, एन इंटू में एक्स की पावर एन माइनस वन करेंगे, प्लस हमारा होगा ए कॉन्स्टेंट है ऐसे कैसे रखिए, एन माइनस वन अब की पावर पावर है एन माइनस वन, तो ये एन माइनस वन आ जाएगा यहां पे, और एक्स की पावर एन माइनस वन और इसमें माइनस वन करेंगे, ऐसे करते जाएंगे, लास्ट में हमारा क्या होगा, ए की पावर एन माइनस वन होगा। यहां पर एक्स अकेला है यानी कि एक्स की पावर वन है, तो वन इंटू में एक्स की पावर वन माइनस वन, और प्लस में ये हमारा ए एन है तो ये जीरो हो जाएगा यहां पे। अब हमारा एफ डैश एक्स आया है एन इंटू में एक्स की पावर एन माइनस वन, ए इंटू में एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू, और ये चलता जाएगा और कहां जाएगा, ए की पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन और x की पावर जीरो बनी होता है, तो ये एक्सप्रेशन यही खत्म हो जाएगा हमारा। यही होता है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव इसी को बोलते हैं। जब भी x की पावर n देखो, आप फंक्शन की पावर कॉन्स्टेंट देखो, तो पहले पावर को आगे ले आओ, फिर वो फंक्शन ऐसे की ऐसे लिख दो, उसके बाद पावर में से एक माइनस, ये तो सिंपलेस्ट मेथड है। अब आपको धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे ना, बहुत सारे मेथड्स मैं सिखाने वाला हूं इस सवाल के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल में, हम देखिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है वो डिफरेंट टाइप का आ गया है। देखो इसके अंदर दो फंक्शन दिखाई दे रहे हैं भाई, x माइनस ए ये भी फंक्शन है x का, x माइनस बी ये भी फंक्शन है, तो मैं इसको क्या करूंगा, दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाए, मान लो एक फंक्शन u है एक फंक्शन v है, अगर कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करना होता है u इंटू v का, तो कैसे फॉर्मूला होता है इसको नोट कर लेना सभी बच्चा पार्टी। पहला फंक्शन एज इट इज रहेगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में, प्लस में दूसरा ऐसे कैसे रहेगा, पहले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में। अब यही चीज मैं अप्लाई करूंगा इस फंक्शन के ऊपर, x माइनस ए एज ए यू है और x माइनस बी एज ए बी है, और ये हमें क्या दे रखा है, मान लीजिए एफ एक्स दे रखा है, तो एफ डैश एक्स मैं कैसे निकालूंगा भाई, पहले ये एज इट इज रहने दीजिए, x माइनस ए ऐसे के ऐसे, इसको कुछ नहीं छेड़ना है, मल्टीप्लाई x माइनस बी का डिफरेंशिएशन, भाई बी तो कॉन्स्टेंट है जीरो होगा, x की पावर वन का अभी अभी हमने देखा था भाई, डायरेक्ट याद रखो x की पावर वन को कैसे करते हैं, वन सॉरी x की पावर वन को कैसे करते हैं, वन इंटू में x की पावर वन माइनस वन, वन इंटू में x की पावर जीरो, आंसर आएगा वन, तो ये वन हो जाएगा प्लस। अब ये फंक्शन ऐसे की ऐसे रहने दीजिए, x माइनस ए का डायरेक्ट वन लिख देता हूं यहां पर, तो इसका जो f डैश x आएगा ना वो आएगा x माइनस ए और प्लस में x माइनस में b, और मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x और x 2x होते हैं, माइनस में a माइनस में b, यही हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव यहां से आ जाएगा, ये आंसर हो गया हमारा। तो जब भी मल्टीप्लाई में दो फंक्शन हो, ऐसे नहीं होना चाहिए कि कभी आपके पास 2 इंटू में x प्लस 2 है और आप इसमें u इंटू v लगा रहे हैं, भाई ये तो कॉन्स्टेंट है, फंक्शन होना चाहिए मल्टीप्लाई में दोनों। चलो अगला सवाल भी मैं समझा देता हूं यहां पर, आप सभी लोगों को ध्यान से समझिएगा। एफ एक्स अब की बार क्या दे रखा है हमें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसका स्क्वायर दे रखा है। अब इसको मैं कैसे करूंगा,
सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, एक्स की पावर एन आना चाहिए। भाई फंक्शन की पावर कुछ ना कुछ आ रही है, ये फंक्शन है, इसकी पावर कॉन्स्टेंट है। तो अब मैं इसका कैसे करूंगा, पावर तो पहले बाहर आ जाएगी, फिर आता है फंक्शन, और इसके बाद में पावर में से एक माइनस कर दीजिए। अब यहीं पर खत्म मत कर देना, ये किसके लिए होता है, ये जस्ट हमें, जब x की पावर अकेला x होता है ना तब तो हम यही छोड़ देते हैं, लेकिन अगर ये 2x होता तो भाई 2x का भी तो करना पड़ेगा ना, उसके बाद में चैन सिस्टम बोलते हैं इसको, तो 2x का करेंगे तो 2 इंटू में x का 1 होता है, ये आएगा। तो ऐसे ही ax स्क्वायर का भी आगे करना पड़ेगा, तो भाई a तो एज इट इज आएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा, पावर दो पहले आ जाएगा और पावर एक माइनस कर देंगे। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, यानी कि 2 into 2 यानी कि 4ax आ जाएगा, और ax स्क्वायर प्लस बी की पावर 1, यही हमारा क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव। बहुत ध्यान से करना है, अगर आपके पास x अकेला होता तो यहीं पर मैं छोड़ देता इस सवाल को, बट x की भी पावर आ रही है और उसकी भी हमारे पास पावर्स आ रही हैं, मल्टीप्लाई में भी आ रहा है, तो उसको आगे लेके जाना है। सिंपल सिंपल है, जब एक बार खुद से भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली समझ में आपको आने लगेगा, सारे सवाल बहुत इजी हैं। अगला अप्रोच देखिए यहां पर क्या है, अब देखिए ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, बट अब किस फॉर्मेट में आ रहा है, डिवाइड वाली फॉर्मेट में। तो जब भी आपके पास डिवाइड वाली फॉर्मेट में फंक्शन होते हैं तो आप कैसे निकालोगे, भाई यू अपॉन वी मैथड है, ये यू इंटू वी मैथड था, फॉर्मूले नोट करके रखना, v एज इट इज आएगा, u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और अब माइनस आ जाएगा u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, और डिवाइड में आता है x स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप सभी लोगों को याद रखना है। अब मैं सवाल करता हूं, देखो मुझे निकालना है d बाई dx, और ये एफ एक्स मान लेता हूं पूरा, क्या आएगा u तो एज इट इज आएगा, सॉरी v, तो यानी कि x माइनस बी एज इट इज आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो भाई a तो जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट x का वन होता है, हो गया काम खत्म। अब v u as it is आ जाएगा x माइनस a, और v का करूंगा तो वन आ जाएगा, और डिवाइड में हमें क्या करना है, v स्क्वायर यानी कि x माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, x माइनस में b माइनस में x प्लस में a डिवाइडेड बाई x माइनस बी का होल स्क्वायर, x से x चला गया, फाइनल आंसर आएगा a माइनस में b अपोन में x माइनस में b का होल स्क्वायर, ये मेरा आएगा f डैश x। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आपको याद है तो अच्छे से कर लोगे आप सारे सवालों को। चलो लाइक जरूर करना सारे बच्चे, बिना स्किप करे वीडियो को मत देखना। 9 AM पर क्लासेस अपलोड होती है, जब भी आपकी अपलोड होगी 9 बजे होगी मॉर्निंग में, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना सभी बच्चा पार्टी, और जिसका कोई डाउट रह गया हो 12.1 में भी डाउट रह गया हो कमेंट जरूर करो, सर क्वेश्चन नंबर इतना हमें नहीं आया तो मैं दोबारा से ले लूंगा उसको। चलो क्वेश्चन नंबर 8, फिर से वही सवाल है, बहुत आसान सवाल है, हमें डेरिवेटिव करना है फॉर सम कांस्टेंट a, यानी कि a कांस्टेंट है हमारा यहाँ पे, तो एफ एक्स मेरे पास क्या दे रखा है, x की पावर n माइनस a की पावर n माइनस a अपोन में है x माइनस a। अब आपको ये भी x का फंक्शन है और ये भी x का फंक्शन है, यानी कि u अपोन v वाला फॉर्मेट लगा दीजिए यहाँ पे, सिंपल सा v एज इट इज यानी कि x माइनस a तो ऐसे कि ऐसे आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं तो x की पावर n का अभी अभी मैंने सिखाया था x इंटू एन इंटू में x की पावर n माइनस 1, इसका जीरो हो जाएगा, माइनस साइन आता है x की पावर n माइनस a की पावर n, इसका आ जाएगा 1 हमारा डिवाइडेड बाई x माइनस a का होल स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, बस x माइनस a आ जाएगा, n की पावर x माइनस 1 आ जाएगा, माइनस में x की पावर n और माइनस माइनस प्लस में a की पावर n डिवाइडेड बाई आ जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर। यहां पर भी आप इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आंसर बिल्कुल सही बना जाएगा यहां भी आंसर। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो आपका एनुअल एग्जाम होता है ना वहां से डेरिवेटिव का ही सवाल पूछा जाता है, लिमिट्स और कंटिन्यूटी में मैक्सिमम चांसेस इसी के होते हैं, अच्छे से समझ लो, u इंटू वी और u अपॉन वी दोनों समझ में आ गए, सवाल खत्म हो जाएगा। चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से इसको भी समझ लीजिएगा। पहला सवाल इसमें हमें डेरिवेटिव निकालना है, हमें ये नहीं बोल रहा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालो, और फर्स्ट प्रिंसिपल हर जगह नहीं लगता है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पहला सवाल देखिए, एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, 2x माइनस में 3/4, एफ डैश एक्स निकालूंगा मैं यहां से, भैया 2 तो एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाई में अगर कांस्टेंट आता है ना कोई भी, अगर कांस्टेंट हमारा किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में आ रहा है तो वो कटेगा नहीं, उसका जीरो नहीं होगा, वो एज इट इज रखना है हमें। अब देखो x की पावर 1 है, इसका क्या होगा, 1 इंटू में x की पावर 1 माइनस 1, और अब ये देखो प्लस माइनस में कांस्टेंट आ गया, ये जीरो हो जाएगा, 2 इंटू में x की पावर 0, तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू में 1 बराबर 2, आंसर आ गया, बड़ा सिंपल सवाल था।
क्वेश्चन नंबर टू देख लीजिए, यू इंटू वी से होगा, 5x³ - 3x, प्लस में 3x - 1, और दूसरा हमारे पास में है x - 1। एफ डैश एक्स निकालूंगा, देखो भाई ये मेरा यू है ये मेरा बी है। तो अगर आपको फॉर्मूला भी याद नहीं है ना, तो एक काम और कर सकते हो आप भाई, एक को एज इट इज रखो पहले, जैसे पहले वाले को मैं रख रहा हूं एज इट इज, इनटू में कर दो दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, एक्स माइनस वन का होगा वन, और प्लस लगा दो, अब दूसरे को ऐसे की ऐसे रख दो और पहले वाले का डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो पांच तो ऐसे की ऐसे आएगा, एक्स की पावर तीन का डायरेक्ट याद रखो 3x² भाई, 3 यहां पे आएगा, 3 में से गया 2 आएगा, यानी कि 3x² होगा, डायरेक्ट याद रखा करो, 3x का 3 होता है, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करना है बस, ये मेरे पास क्या आया है 5x³ प्लस में 3x - 1, और ये हमारे पास आया है प्लस में x - 1, इनटू में हमारे पास आया है 15x² प्लस में 3। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5x की पावर 3 प्लस 3x - 1, x को मल्टीप्लाई करेंगे 15x की पावर 3 होगा, x को करेंगे प्लस का 3x होगा, माइनस का 15x² माइनस का 3। सिंप्लीफाई करो, 15 और 5 क्या होंगे 20x की पावर 3, 3x और 3x हो गए 6x, 6x और कुछ बचेगा यहाँ पे नहीं, पहले हमारा माइनस का 15x² उतार लीजिए, प्लस में 6x आ जाएगा, माइनस में माइनस का 1 और माइनस का 3 होता है माइनस का 4, यही हमारे पास आंसर आ गया f(x) का। अगर फॉर्मूला याद है तो सवाल बहुत इजी है, फॉर्मूला याद नहीं है तब थोड़ी सी दिक्कत होने के चांसेस होते हैं, जरूरी नहीं है दिक्कत आए आपको। चलो गर्मी बहुत है भाई, ध्यान रखो सभी अपना, पानी पीते रहो टाइम पे मेरे जैसे। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है ध्यान से सवाल को करिए। एफ एक्स हमारे पास दे रखा है x की पावर -3 इंटू में 5 + 3x। अब देखो दो तरीके से ये सवाल हो सकता है, एक तो मैं इसी सवाल को लिख सकता हूं 5 + 3x / x³, और एक मैं ऐसे ही रख सकता हूं। अंतर क्या आएगा, यहां तो मैं u इंटू वी लगा सकता हूं, यहां मैं u इंटू यू अपोन में भी लगा सकता हूं। देखो x की पावर -3 था, नीचे जाएगा तो x की पावर +3 बना देगा, सिंपल सी बात है, लॉजिकल बात है। चलो अब मैं इसको इसी से कर लेता हूं u इंटू वी से, बाद में देखेंगे इसको, या फिर u अपोन वी से कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स कर लीजिए, वी तो आएगा ऐसे की ऐसे, यानी कि x³ अपो इंटू में कर दीजिए u का डिफरेंशिएशन, यानी कि 5 तो कांस्टेंट है प्लस में है, यानी कि 0 आ जाएगा, 3 इंटू में 1 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा माइनस। अब ये एज इट इज आ जाएगा 5 + 3x, और x की पावर 3 का करेंगे तो आएगा 3x² और डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 की पावर 2। ये आंसर आएगा 3 × x³ माइनस, इसको कर दीजिए 5 × 15x² माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, और माइनस का 9x³ और डिवाइडेड बाई कर दीजिए x की पावर 6। फाइनल आंसर हमारा क्या है भाई, माइनस का 15x² माइनस का आएगा हमारे पास 6x³ और डिवाइडेड बाई x की पावर 6। अब या तो यहीं पर छोड़ सकते हो, या x की पावर स्क्वायर कॉमन आउट करके आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, बट यहां भी छोड़ोगे तो आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट माना जाएगा, राइट माना जाएगा, कोई आंसर को गलत नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं हमारे इस सवाल में, ठीक है सॉरी यहीं से देखना पड़ेगा अगला सवाल भी हमें ध्यान से, एक कुछ सवाल आपको खुद भी करने के लिए मैं देने वाला हूं, ठीक है बस u इंटू वी और u अपोन वी याद रखो, आंसर आप लोगों के सारे सही आएंगे, आंसर कभी गलत नहीं होगा u अपोन वी और u इंटू वी में, ध्यान रखिएगा बस इस बात का। सिंपल सवाल है, हार्ड नहीं है, आराम से करोगे डेफिनेटली होगा। ये सवाल आप लोग खुद करेंगे u इंटू वी से कर लेना, ये सवाल भी आप लोग करेंगे u इंटू वी या u अपोन वी से। इस सवाल को मैं बता देता हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 6 को डेरिवेटिव ही तो निकालना है, डेरिवेटिव में याद रखो x की पावर n काम आ रहा है यहां बार बार, यानी कि n इंटू में x की पावर n माइनस 1। जैसे मुझे अगर x की पावर 6 का करना है तो मैं कैसे करूंगा, 6 आगे आ जाएगा और x की पावर 6 माइनस 1, यानी कि 6 इंटू में x की पावर 5, एक पावर कम हो जाएगा बस ऐसे याद रखो। जैसे x की पावर 7 है, 7 आगे आ जाएगा और x की पावर 6 हो जाएगा। जैसे 3x² है तो भैया 3 तो कॉन्स्टेंट है, इसका कुछ नहीं होगा, x² का करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, यानी कि 6x। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना इन सवालों को करते टाइम, आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, एफ एक्स बराबर हमारे पास है 2 / x + 1 माइनस हमारे पास में है x² / 3x - 1। अब आप कई तरीके से इस सवाल को कर सकते हो,
पहला तरीका तो क्या है, आप एलसीएम ले लीजिए इसका, क्या आ जाएगा x प्लस में वन और 3x माइनस में वन आएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू में 3x माइनस वन प्लस में x स्क्वायर इंटू में x प्लस वन, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा उससे ना, 6x आएगा माइनस में 2 आएगा प्लस में एक्स क्यूब आएगा प्लस में एक्स स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाई, नीचे भी अगर मैं कर दूं तो मेरा सवाल आसान हो जाएगा भाई, एक्स को करूंगा इन दोनों से यानी कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 3x माइनस में वन, एफ एक्स आ गया हमारे पास x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 6x और माइनस में 2 हमारे पास आ गया डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर, अब माइनस का x है प्लस का 3x है तो प्लस का 2x आएगा माइनस 1, अब लगा दो यहां पर u और यहां पर v और मुझे आंसर बता देना है सभी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, भाई इसके लिए v एज इट इज रहेगा u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, माइनस u एज इट इज रहेगा v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और डिवाइडेड बाई v स्क्वायर आ जाएगा, सवाल यहीं पर हमारा खत्म हो जाएगा, बस इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब वैल्यू आप लोग यहां से पुट करिएगा और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई होप डिफरेंशिएशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो प्लीज करके आप कमेंट में मुझे बता देना कि सर ये वाला सवाल अगेन रिपीट करिए, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी मैं अगेन रिपीट जरूर कर दूंगा इस सवाल को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लाइक जरूर करना, जो भी बच्चे नए हैं हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट मैथ्स का कोर्स चल रहा है क्लास 9 से लेकर 12 तक का, आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, जय हिंद।